के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए, केजू के टेस्ट के लिए, कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान 2022 के, पाकिस्तान के जो कैबिनेट है 2022 की, वो उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो आपको याद रखने हैं टेस्ट के लिए, तो उनमें से फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, दैट इज़ डॉक्टर आलिफ अलवी, जिनका ताल्लुक PTI से है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इस वक्त हैं शहबाज शरीफ, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से हैं। गवर्नर सिंध, सिंध के जो गवर्नर है अभी इस वक्त वो है नसरीन जलील, नसरीन जलील का ताल्लुक है MQM से, गवर्नर है सिंध, गवर्नर सिंध है, CM सिंध, अच्छा इससे पहले इमरान इस्माइल थे, इमरान इस्माइल PTI के, अब वो फिर नसरीन जलील को बना दिया गया CM सिंध। CM मतलब होता है जब मैं CM लिखो तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला। तो सिंध के चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, सैयद मुराद अली शाह, ठीक है। और CM पंजाब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के याद रखिए नाम, दैट इज़ परवेज़ इलाही, तो चौधरी परवेज़ इलाही, तो चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं छोटे, चौधरी परवेज़ इलाही के पहले जो थे हमजा शहबाज शरीफ थे, उनसे पहले उस्मान बोजदार थे PTI के। तो चौधरी परवेज़ इलाही का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ग्रुप से, PMLQ। मुराद अली शाह के ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PPP। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में आपको पता है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस स्टेट है आज़ाद कश्मीर का, तो उसमें अलग प्राइम मिनिस्टर है। तो सरदार तनवीर उनका नाम है जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये कमांडर इन चीफ कह लें, वो है कमर जावेद बाजवा, तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ। नेवी एडमिरल, नेवी का जो सबसे बड़ा होता है दैट इज़ कॉल्ड एडमिरल, सबसे बड़े जो अफसर हैं नेवी के दैट इज़ कॉल्ड एडमिरल, या एडमिरल ऑफ द फ्लीट भी उसको हम कहते हैं, तो वो है अमजद खान नियाजी, एडमिरल अमजद खान नियाजी। PF के अंदर एयर चीफ मार्शल, पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जो सबसे बड़ा होता है वो एयर चीफ मार्शल का होता है, तो इस वक्त है एयर चीफ मार्शल कौन है, ज़हीर अहमद बाबर, ही इज़ द एयर चीफ मार्शल राइट नाउ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उमर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, उनका नाम है उमर अता बंदियाल, ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो हैं मुर्तज़ा सैयद। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फर्स्ट वेमेन गवर्नर कौन थी, तो मैंने उनके बारे में बताया था शमशाद अख्तर, तो शी वॉज द फर्स्ट वेमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए अभी इस वक्त। इसके बाद नेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, या पता है किसी को इस वक्त नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के स्पीकर कौन है? अयाज सादिक थे कुछ वक्त पहले तक PTI के, बट अब नहीं है, अब है राजा परवेज़ अशरफ। तो राजा परवेज़ अशरफ, ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, दैट इज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली पता है? सिंध असेंबली के स्पीकर कौन है? आगा सिराज दुर्रानी, पीपल्स पार्टी के है ना, आगा सिराज दुर्रानी इज द स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली। नेशनल असेंबली तो इस्लामाबाद में, सिंध असेंबली कराची में। तो वो जब बुक होती है हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, जो मैं कल आपको दिखा रहा था, उसी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे वो बुक तो बहुत सारी, वो तो CSS PMS के लिए चलती है, तो आपको कुछ याद करना है उसमें से पॉइंट्स जो KU के टेस्ट में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके बाद IJ सिंध मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध, इनका नाम है गुलाम नबी मेमन इज द IG सिंध नावाडेस। AD ख्वाजा थे किसी वक्तों में, बड़े मशहूर थे AD ख्वाजा, बट अब नहीं है, हटा दिया गया उनको।
क्यों कायदे आज़म? पीएमएल कायदे आज़म, पीएमएल क्यों है? इस पीएमएल कायदे आज़म जो कि पीएमएल जो चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज दिलाई इनकी जो पार्टी थी अभी भी है। नेक्स्ट इज फेडरल कैबिनेट, फेडरल मिनिस्टर्स को देखते हैं। अब यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर्स को देखते हैं, इम्पोर्टेंट फेडरल मिनिस्टर जो भी हैं पाकिस्तान के, सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर, वज़ीर दिफा कौन है? डू नो? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ठीक है। तो ही इज़ अ डिफेंस मिनिस्टर। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर, इस वक्त फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर राणा तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर तालीम, साथ साथ दिखते हैं राणा तनवीर हुसैन एजुकेशन मिनिस्टर वज़ीर तालीम। अच्छा, ये फेडरल मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वफाकी वज़रा की बात कर रहा हूँ, सिंध पे आएंगे अभी हम थोड़ी देर बाद। सिंध के नहीं है, सब पूरे पाकिस्तान के, फेडरल जिसको हम कहते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वज़ीर ख़जाना, अभी चेंज हुआ है दो तीन दिन पहले, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल थे वरना मिफ्ता इस्माइल की जगह पर आ गए इसहाक डार। 12 रुपये कम कर दिए पेट्रोल के आने से आते साथ, 12 रुपये कम हो गए। फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भाई, वज़ीर ख़ारजा कौन है? यस, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किसे कहते हैं? वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब, वीडियो वगैरह मतलब जिसमें वो कॉफ़ी पी रही थी, ठीक है, बड़ा मशहूर हुआ वो मरियम औरंगज़ेब साहब जब लंदन में थी। तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वज़ीर इत्तला'आत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, पीएमएलएन से इनके भी ताल्लुक है। आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मिनिस्टर का नाम है सैयद अमीनुल हक, सैयद अमीनुल हक, इनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आईटी मिनिस्टर है। हमारा हल्का था NA 241 कराची का, उसी से इलेक्ट हुए थे, आज तक आए नहीं इलाके में, ठीक है, तो वीडियो में बता दे रहे ताकि आवाज चले जाए उन तक। तो सैयद अमीनुल हक, जबकि हमने ही इलेक्ट किया था इन्हें, बट हमारे इलाके में कभी नहीं आए, उसके बने बने में मिनिस्टर बन के बैठे। अच्छा, इसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर, इंटीरियर मिनिस्टर मतलब वज़ीर दाखिला, वज़ीर दाखिला कौन है भाई? बड़े मशहूर शख्सियत हैं, राणा सनाउल्लाह, यस, तो राणा सनाउल्लाह इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर, वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल, अब्दुल कादिर पटेल, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इन्होंने भी पीएमडीसी को रिजॉल्व किया है, पीएमसी ख़त्म किया है, पीएमसी ख़त्म करके पीएमडीसी लड़ने वाले हैं ये अब्दुल कादिर पटेल। रेलवे, वज़ीर रेलवे शेख रशीद नहीं है भाई, ख़त्म हो गए वो दौर, था उनका अब नहीं है, ख्वाजा साद रफीक, वो बड़े मशहूर थे वो, लेकिन अभी ये साद रफीक का नाम भी सुना होगा आपने, ख्वाजा साद रफीक इज़ द रेलवे मिनिस्टर।
सिंध कैबिनेट की, ये तो फेडरल मिनिस्टर थे, अब हम सिंध मिनिस्टर्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मिनिस्टर्स ऑफ सिंध। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है सिंध के? सिंध के वजीर इत्तलात, सिंध की बात, सईद गनी जिस ज़माने में एजुकेशन मिनिस्टर थे लेकिन अब चेंज हो चुके हैं अब ये। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शफकत महमूद तो फेडरल मिनिस्टर थे एजुकेशन के। सईद गनी के बाद कौन बने? सरदार अली शाह। तो सरदार अली शाह इस वक्त सिंध के वज़ीर तालीम है, वज़ीर एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये कैबिनेट के बारे में मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। कैबिनेट के इन लोगों का नाम आप याद रखें, गवर्नर जनरल्स ऑफ पाकिस्तान, ये हेडिंग आ जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल में हमें पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ चार गवर्नर जनरल आए, देयर आर ओनली फोर गवर्नर जनरल्स इन पाकिस्तान। 1956 के आइन में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ख़त्म हो गए थे, उस सब गवर्नर जनरल को सबसे बड़ा ओहदा समझा जाता था कंट्री के अंदर। सिर्फ चार आए हैं, उन चारों के नाम याद कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के, वह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नो नियाकत अली खान वाज़ द प्राइम मिनिस्टर, ख्वाजा नाजमुद्दीन इज़ द सेकंड वन, द थर्ड वन इज़ मलिक गुलाम मोहम्मद, ये थर्ड गवर्नर जनरल थे। और लास्ट जो गवर्नर जनरल आए पाकिस्तान में, ही वॉज सिकंदर मिर्ज़ा। यही सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे। तो कायदे आज़म वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वॉज द सेकंड गवर्नर जनरल, एज वेल एज ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एंड सिकंदर मिर्ज़ा वॉज द फोर्थ गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। ठीक है, राइट इट डाउन। अच्छा, एक और चीज देखो, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर। पाकिस्तान में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही आए हैं, उसका अक्सर पूछते हैं, एक ही वाइस प्रेसिडेंट आए बस, उनका नाम है नूरुल अमीन। इनके अलावा पाकिस्तान में नायब सदर कोई नहीं आया, ओनली वन एंड फाइनल वाइस प्रेसिडेंट, ओनली वन पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक है, हुज नेम इज़ नूरुल अमीन। राइट इट दिस नेम एंड रिमेंबर इट एज वेल। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट, मैंने लिखा रहा, आप सबको पता होना चाहिए, लियाकत अली खान, लिखा नहीं रहा वो फिर टाइम वेस्टेज है। हाँ, उसके बाद ये नेक्स्ट हेडिंग ये डाल लेते हैं, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स। मार्शल लॉ आपको पता है फौजी हुकूमत को चलाने वाले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। पाकिस्तान में चार मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, फोर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स आर हियर। द फर्स्ट वन इज फील्ड मार्शल अयूब खान, पहले हैं फील्ड मार्शल अयूब खान। द सेकेंड वन इज यहया खान, सुना होगा नाम आपने, यहया खान। यस, द थर्ड वन इज जियाउल हक, सॉरी द थर्ड वन इज भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। एंड द लास्ट वन, चौथे जो है उनका नाम है जियाउल हक। अच्छा, इनमें कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखने की बात, के जुल्फकार अली भुट्टो वॉज द ओनली सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी तीन, अयूब खान, यहया खान, जियाउल हक, इनका ताल्लुक पाक फौज से था, भुट्टो का ताल्लुक नहीं था पाक फौज से, बट ही वॉज द ओनली सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान। और ये जुल्फकार अली भुट्टो फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी थे,
इलेक्शंस के थ्रू मुंतखब होने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। एक सेलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड से मुराद के पहले से पता होता है भाई इसी को बनना है, और एक इलेक्टेड है। इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं, सेलेक्टेड में मतलब शुरू के जो थे स्टार्ट के लड़की लाइक लगत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन, उन सबको स्टार्ट में मतलब सिलेक्शन कर ली जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। जुल्फिकार अली भुट्टो वाहिद थे जो कि अवामों के वोट से, पीपल्स वोट से वो इलेक्ट हुए थे। ठीक है, लिख लें सारे नेम्स। यस, परवेज मुशर्रफ वॉज नॉट द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाया था, मार्शल लॉ नहीं लगाया था कंट्री में। परवेज मुशर्रफ जो लगाया था ना वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी, तो वो मार्शल लॉ नहीं था। मार्शल लॉ अलग था, वो आपने नहीं देखा, वो ये इनके दौर में लगा था मार्शल लॉ, फौजी कानून। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हेडिंग आ जाएगी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर के कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर से हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो उनके लीडर्स हैं हर कंट्री के, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, उनका नाम हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के होंगे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर। क्या नाम है अफगानी प्रेसिडेंट का? हैबतुल्ला, हैबतुल्ला आखुंद ज़ादा, हैबतुल्ला आखुंद ज़ादा। तालिबानाइजेशन, जब तालिबान जो ओवरटेक किया उन्होंने तो उसमें तालिबानों के एक लीडर थे हैबतुल्ला आखुंद ज़ादा, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेकंड बता दो बेटा, बांग्लादेश। बांग्लादेश का नाम याद है किसी को? मतलब उनकी बांग्लादेश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, पार्लियामेंट्री निज़ाम है। तो पीएम का नाम पता है? शेख हसीना, शेख हसीना, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, शेख हसीना वॉज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, द लीडर ऑफ अवामी लीग 71 में, जो थे पढ़ा होगा पीएसटी। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री ब्रुनाई, मतलब अल्फाबेट के लिहाज से चल रहे ब्रुनाई, ब्रुनाई का पूरा नाम है ब्रुनाई दारुसलाम, ब्रुनाई दारुसलाम के जो सुल्तान है उसके जो बादशाह है वही उसके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कि सुल्तान एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ आर सेम। उनका नाम है हसन अल बोलकिया, हसन अल बोलकिया, एंड हसन अल बोलकिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अमीर तरीन बादशाहों में से एक, ही इज़ द करेंट वन, हसन अल बोलकिया। यस, बहुत अमीर है, बहुत ब्रुनाई तो वैसे ही बहुत अमीर कंट्री है ब्रुनाई दारुसलाम, और काफ़ी अमीर, ये दुनिया के सबसे अमीर बादशाह जो है ना, सबसे ज़्यादा पैसे जिसके पास है वो यही है, हसन अल बोलकिया द रिचेस्ट किंग। कैनेडा, बेटा कैनेडा में प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, तो उनका प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, दुनिया के सबसे ज़्यादा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इमरान खान, पहले नंबर पे इनको कहा जाता है, दो सेकंड मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर थे ना ये इमरान खान, तो जो फर्स्ट पे थे वो यही थे जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, इस्लाम को और मुस्लिम्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं तो इज्जत करते हैं इनकी अच्छी। चाइना, भाई चाइना का सबसे बड़ा लीडर होता है उसका प्रेसिडेंट, चाइना का सदर सबसे ऊपर होता है चाइना में, उसका नाम होता है जी जिनपिंग, जी जिनपिंग, चाइनीज कैसी नाम है, जी जिनपिंग। इजिप्ट,
इजिप्ट में भी सदारती निज़ाम है, उसके प्रेसिडेंट सबसे ऊपर हैं, उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, जनरल सीसी भी इनको हम कहते हैं, इजिप्ट के ये लीडर हैं। एक रेवोल्यूशन आया था जिसके बाद उन्होंने, क्या नाम था भूल गया मैं उनके लीडर का, जिनको हटा कर एब्डिकेट करके खुद आए थे, जनरल सीसी। वो बहुत मुस्लिम थे, अच्छे मुसलमान थे, मुस्लिम लीडर थे, उनको हटा के ये आ गए थे जनरल सीसी। बड़ा इजिप्ट के अंदर इंकलाब भी हुआ था, बड़े मतलब वीडियोज़ वगैरह इसकी आती थी अक्सर, 4-5 साल पुरानी बात है। चले भाई, नेक्स्ट इज जर्मनी। बेटा जर्मनी में सबसे ऊपर जो होते हैं जर्मनी के चांसलर, जर्मनी के चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल। तो शी इज़ द चांसलर ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो 4 कमरों का फ्लैट उसमें रहती हैं एंजेला मर्केल, और खाना भी खुद पकाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं, तो कोई सर्वेंट नहीं है। एंड शी इज़ द चांसलर ऑफ जर्मनी। इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें वो बता रही थी, मतलब इतने बड़े मुल्क का कि प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है, और हमारे यहाँ गरीब गुरबा मुल्क के सदर वज़ीर-ए-आज़म का हाल देखो क्या है। यही फ़र्क होता है गरीब और अमीर मुल्क के अंदर। गरीब मुल्कों में ना जो उसके जो वो होते हैं ना जो लीडर्स, वो अमीर होते हैं, और अमीर मुल्कों के जो लीडर्स होते हैं वो गरीब होते हैं। तो जहाँ सिटीजन्स अमीर होंगे ना, वहाँ लीडर्स गरीब होंगे, और जहाँ सिटीजन्स गरीब होंगे वहाँ लीडर बहुत अमीर होंगे। पाकिस्तान का हाल ऐसा ही है। इंडिया में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर होते हैं, क्या नाम है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का? नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार। इंडोनेशिया में भी बच्चों क्या होते हैं प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का नाम है दैट इज जोको विडोडो इज द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। ईरान के अंदर हमारे पास होता है सुप्रीम लीडर। ईरान में ना प्राइम मिनिस्टर ऊपर होता है ना प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर। क्योंकि ईरान के अंदर आपको पता है कि इस्लामिक सिस्टम है, तो वो जब इंकलाबी रेवोल्यूशन आया था उसके अंदर, इंकलाबी ईरान, द रेवोल्यूशन ऑफ ईरान, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसमें क्या किया गया था कि भाई जो उनका मजहबी लीडर होगा, जो मुफ्ती आज़म जो उनका होगा, वही सबसे बड़ा लीडर ईरान का होगा, सारे फैसले उसके पास होंगे। तो इस वक्त जो है लीडर, उनका नाम है अली खामिनाई। यस, इज़ मुस्लिम, जोको विडोडो। इंडोनेशियंस के नाम इसी तरह से होते हैं। इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री, यू नो अबाउट इट, द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ इन इंडोनेशिया। अच्छा, तो ईरान के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस्लामिज़म है, फंडामेंटलिज़म है ईरान के अंदर भी। अच्छा, ईरान के अंदर पर्दे का भी बड़ा एक स्ट्रिक्ट निज़ाम है, हिजाब का, कि जो ख़वातीन है उसके हिजाब का बड़ा स्ट्रिक्ट निज़ाम है। अलग से स्पेशल पुलिस होती है, मोरालिटी पुलिस वहाँ पर होती है, तो वो इस चीज़ को चेक करते हैं, उसमें वीमेंस भी होती हैं, वो चेक करते हैं कि आइदर एवरी वीमेन इज़ इन हिजाब और नॉट। अगर तुम मान लो कि इफ़ एनी वन इज़ नॉट इन हिजाब, तो उसको लेकर चले जाते हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है, वहाँ पर 6 घंटे उनको ट्रेन करते हैं कि वाई हिजाब इज नेसेसरी, 6 घंटे उनको वहाँ पर पूरा लेक्चर देते हैं, उसके बाद भेजते हैं अगर इनके इसको मिल जाता। तो बड़ा अच्छा निज़ाम है ईरान के अंदर। लेकिन अभी जो है, जो हुआ ना, अभी जो मामला हुआ था, यस यू आर राइट, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिहाज से, कि अभी जो मामला हुआ था कि ईरान के अंदर कि एक खातून जो है वो कार में जा रही थी, वो उन्होंने हिजाब नहीं किया हुआ था, तो फिर वहाँ मोरालिटी पुलिस उनको पकड़ा उनको, फिर और उन्होंने बड़ी ज़िद की कि नहीं मैं नहीं करूँगी, और इट इज़ माई राइट, इट इज़ आई फ्रीडम। कम लोग हैं ईरान में ऐसे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, मतलब रिटेलिएट किया इस चीज़ पर, तो उनको फाइनली वो लेकर गए किसी पुलिस स्टेशन, जदोकोप किया, फाइनली उनकी डेथ हो गई, तो वो वफात पा गई। तो उसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हरकत में आ गई इस चीज़ पर, और ईरान के अंदर भी जो मॉडर्न लोग थे तो वो भी हरकत में आ गए, ख़वातीन ने भी एहतजाज किया इस चीज़ पर कि नहीं भी औरतों का हक है। लेकिन जाहिर सी बात है, ईरान जो है ना वो बहुत, उसमें फंडामेंटलिज़म बहुत ज़्यादा है, वहाँ उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी को सुनते भी नहीं, ईरान अमेरिका के भी नहीं सुनते, वो USA के, ईरान तो ज़्यादा अमेरिका की आँख में आँख डाल के बात करता है वो, क्योंकि ईरान अमेरिका से कुछ लेता ही नहीं है, ना पेट्रोल लेता है, ना कुछ लेता है, ना डॉलर लेता है। तो ईरान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ डॉलर नहीं चलता, वहाँ ATM मशीन्स, बैंक वैंक कुछ नहीं है, पूरे ईरान में यू कैन नॉट फाइंड अ बैंक, तो ऐसा कंट्री ईरान। तो वो तो पहले ही इस्लामिक पे पर बहुत कट्टर है, वो तो कहते हैं भाई छोड़ो अमेरिका, कुछ भी हो हमारा रूल है हम तो लगाएंगे, जबकि अमेरिका ने अक्सर कहा है कि हिजाब की पाबंदी नहीं होनी चाहिए,
ड्रेसिंग एक इंसान का है कि उसने बोला नहीं इस्लाम बोलते तो हम करेंगे, तुम जो जो करना कर लो, मतलब जबकि वो शिया मेजोरिटी वाली कंट्री है, बट वो इतना ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, जबकि पाकिस्तान सुन्नी स्टेट है, बट इसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मतलब है एक चीज़, मतलब जो चीज़ सही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, भले वो अहले तशी उसमें मेजोरिटी में, बट वहाँ पर एक अच्छा निज़ाम है, एक इस्लामिक निज़ाम हम उसको कहना चाहिए। तो ईरान का इसलिए ईरान में देखो जो सुप्रीम लीडर होता है ना उसके जो बड़े हैं ना मजहबी तौर पर, अली खामिनाई वो एक मजहबी पेशवा है, वही उनके सुप्रीम लीडर है, जो वो बोलते हैं वही होता है कंट्री के अंदर। उससे पहले रसूल आयतुल्लाह खुमैनी थे तो वो भी लीडर थे उसके। तो ईरान हो गया, ईरान का याद रखिएगा नाम अली खामिनाई, अली खामिनाई। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री आप याद रखिएगा इसके अंदर जॉर्डन। जॉर्डन में बच्चे होते हैं बादशाह, जॉर्डन के किंग होते हैं, रूलर है उसके अंदर, इसके अंदर किंग है, इसके बादशाह का नाम है अब्दुल्ला अब्दुल्ला किंग अब्दुल्ला द सेकंड टू। किंग अब्दुल्ला टू के बारे में यह बात याद रखिए कि ही इज़ द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बनो हाशिम के ख़ानदान से इनका ताल्लुक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट ख़ानदान से ताल्लुक इनका है, किंग अब्दुल्ला द सेकंड, जो हाशमी किंगडम उसको कहा जाता है, हाशमी ख़ानदान उसको हम कहते हैं, वो जॉर्डन में रहते हैं, नबी के डायरेक्ट जो डिसेंडेंट्स हैं ना, नबी के डायरेक्ट नस्ल में है वो जॉर्डन में, उनकी रहाइश है, वो उनका ख़ानदान है पूरा, वो हाशमाइट किंगडम जिसको कहा जाता है, हाशमी किंगडम। अरे पढ़ लें इसके बारे में, नेट पर पता लग जाएगा। इसके बाद तो ये अब्दुल्ला टू याद रखिएगा, जॉर्डन के बादशाह है, उर्दन कंट्री है मिडिल ईस्ट में। नेक्स्ट बेटा नॉर्थ कोरिया, DPRK भी इसको कहते हैं ना, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यहाँ इनके लीडर को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, और वो उनका नाम आप सबने पढ़ा होगा किम जोंग उन, किम जोंग उन बड़े ख़तरनाक लीडर हैं। मतलब आपको पता है नॉर्थ कोरिया में बहुत ज़्यादा सेंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बैंड है वहाँ के, वहाँ पर जीन्स पहनने पर पाबंदी है, वहाँ पर बाल जो है ना वो आप जो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से कट, मतलब हेयर है ना, हेयर कटिंग है, अब वो गवर्नमेंट बताती है कि भाई ये स्टाइल्स हैं उन पर आप बस कट करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते वहाँ पे आप, गवर्नमेंट के प्री मतलब वो गवर्नमेंट फैसला करती है कि आपको बाल कैसे कटवाने, वहाँ रिलीजन बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता, एक चर्च एक मंदिर एक मस्जिद कुछ नहीं मिलेगा आपको पूरे नॉर्थ कोरिया के अंदर, रिलीजन टोटली बैंड है वहाँ पर, कोई मजहबी किताब कुरान पाक बाइबल कुछ नहीं मिलेगा आपको उस कंट्री के अंदर, इतना ऐसा कंट्री है वो, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। वहाँ इंटरनेट भी नहीं है वहाँ लोगों के पास, इंटरनेट की फैसिलिटी हर किसी को नहीं है वहाँ पर, व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलता वहाँ पर बिल्कुल, इस तरह से वहाँ पर एक TV चैनल है सिर्फ, गवर्नमेंट का अपना न्यूज़ उसके अंदर आ रहा होता है सिर्फ, बस गवर्नमेंट की एक TV चैनल है, वो अपनी न्यूज़ उसमें बताते रहते हैं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया भर से बेहतर है, उन लोगों को इंडोक्ट्राइन करते हैं वो, मतलब वहाँ के लोग बाहर भी नहीं जा सकते, वहाँ के लोगों को बाहर का पासपोर्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, मतलब कैन नॉट गो अब्रॉड, आप नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकते और नॉर्थ कोरिया का बंदा नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं जा सकता, टोटली पैक्ड एक जेल है वो पूरा कंट्री, वहाँ के लोगों को ये बताया जाता है आप पूरी दुनिया से अलग हो, मुख्तलिफ हो, अच्छे हो, बेहतर हो, पाए पूरी दुनिया से ज़्यादा बुरे हाल में, जबकि ऐसा नहीं है, मतलब उनको पता नहीं है वो कुएं के मेंढक बने हुए, वो उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सब इस बंदे की वजह से भाई, किम जोंग उन तो डिक्टेटर है वहाँ का, हेड ऑफ स्टेट है पूरा, इसी का खानदान उसमें रूल करता है बादशाहों की तरफ, बाप बेटा दादा इस तरह से। इसके बाद ठीक है कोरिया का याद रखिएगा लाजमी। नेक्स्ट कंट्री उसके बाद आप देखते हैं दैट इज कतर। कतर जो कि अभी ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है 2022 का, फीफा शुरू हो जाने कुछ दिनों में मैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो कतर के अंदर होते हैं अमीर, कतर के अमीर होते हैं अमीर। तो कतर के अमीर का नाम याद रखिएगा शेख तमीम बिन हमाद अल सानी, बहुत बड़ा नाम है भाई, शेख तमीम बिन हमाद अल सानी, पैसे भी बहुत है, ठीक है कतर के अमीर है भाई है, अभी वर्ल्ड कप होल्ड कर रहा है पूरा फुटबॉल का कतर, आपको पता है 2022 का, पैसे हैं तभी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कर लेते रश। अलसानी पढ़ते उसको, थानी लिखा हुआ बट पढ़े, यस हमाद, हमाद अलसानी, इसको सानी पढ़ेंगे आप, ठीक है उर्दू में। नेक्स्ट इज रशिया, रशिया तो बड़ा आसान है, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है,
यस प्यूटिन, व्लादिमीर प्यूटिन, इजी। सऊदी अरब का तो मैंने आपको बताया था किंग सलमान, तो वो हो चुका, दोबारा नहीं लिख रहा हूं। हाँ फ्रांस का, चलो फ्रांस का लिख लेते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट बड़े मशहूर हैं, फ्रांस में प्रेसिडेंट होते हैं ना, क्या नाम है, मैक्रोनी क्या बोलते हैं उनको, इमैनुअल। ओके तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, दैट इज इमैनुअल, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो मैक्रोनी से याद कर लेना आप, इजी याद हो जाएगा। नाउ सीरिया, सीरिया, सीरिया कहते हैं शाम को, शाम एक तो टाइम हो रहा है, शाम का वक्त हो रहा है, ये नहीं, शाम एक कंट्री भी है सीरिया। सीरिया में सबसे ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, बहुत मशहूर है ये भी, बशार अल असद, बशार अल असद। तो वहाँ पर ये काफ़ी सीरियन सिविल वॉर जो चल रहा है, तो ये जो गवर्नमेंट है वो अपने ही सिटीजन्स पर केमिकल वीपन से हमला करती है। पढ़ते होंगे अक्सर हम शाम के हालात के बारे में, सीरिया के दुआएं वगैरह में मांगते हैं सब उसके। तो सीरिया का हाल इस बंदे की वजह से बड़ा ख़राब है, दैट इज़ बशार अल असद, तो जो क्या करता है अपने ही सिटीजन्स पर जुल्म ढा रहे हैं बैठ के। आखिरी बस कुछ चल रहे हैं तो बेटा इसमें टर्की, टर्की का तो पता होगा, रेसेप तैयब एर्दोगान, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा उसमें रेसेप सी को ना जे पढ़ते हैं, तो इनका उर्दू में हम लिखते हैं नाम रजब तैयब एर्दोगान, और जी के ऊपर ना इस तरह से वो पता नहीं कट ये लगा देते हैं, अर्तुगरुल में भी लगा होता था, अर्तुगरुल के नेम में। तो ये रजब तैयब एर्दोगान बहुत मशहूर लीडर हैं टर्की के। यूक्रेन, यूक्रेन भी बड़ा मशहूर है बेटा, अभी जंग चल रही है ना रशिया यूक्रेन की, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस रिटेलिएट कर रहे हैं, क्या नाम है, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की, तो ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो इन्होंने बड़ा प्यूटिन को सही से मतलब उसके रेजिस्ट किया है उसकी फौज को। यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, देखा यूएई में प्रेसिडेंट भी है प्राइम मिनिस्टर भी है। यूएई के जो प्रेसिडेंट है ना वो शेख हैं उसके, लाइक जो अबू धाबी है उसके ना, तो जैद, जैद अल नहयान उनका नाम है, ये अबू धाबी में रहते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है इसके ना, जो प्राइम मिनिस्टर है उसके, तो राशिद अल मक्तूम के बेटे हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये दुबई में होते हैं, ये मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। तो ये दोनों के नाम याद रख लीजिए, प्रेसिडेंट का भी पीएम का भी, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम, दोनों में, दोनों में से सबसे ज़्यादा और रुतबा तो वैसे जो अबू धाबी के जो लीडर हैं जैद अल नहयान उनका है, सेकेंड नंबर पर आते हैं ये मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये बुर्ज खलीफा जिन्होंने बनवाया पूरा उन्हीं के नाम पर है बुर्ज खलीफा। यूएसए का तो पता है जो बाइडन, मैं नहीं बता रहा आपको, जो बाइडन का तो पता ही है ना, जो बाइडन नहीं बता रहा उस, अच्छा बस आई थिंक काफ़ी कंट्रीज हो गए।